गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज जीएसटी ऑडिट, जो एक चार्टेड अकाउंटेंट या सीएमए से एसएससी को करवाना होता था, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ या उनसे ऊपर है, वो रिक्वायरमेंट अब रिमूव कर दी गई है। बजट 2021 में गवर्नमेंट ने ये प्रपोज करा कि जो जीएसटी के अंदर एक चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो फॉर्म 9C के अंदर फिल होती थी, वो उसको अब सीए से सेल्फ सर्टिफाई कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कल जीएसटी काउंसिल ने ये फर्दर अप्रूव कर दिया कि ये रिक्वायरमेंट 2020-21 के लिए भी नहीं है। देयर बाय दे हैव फर्दर सेट इन देयर प्रेस रिलीज कि 2020-21 के लिए भी जो एसएससी जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, दे कैन फाइल देयर रिकंसिलेशन एज सेल सर्टिफाइड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एज वेल। सो दोस्तों, जब बजट 2021 में गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट प्रपोज की थी, तो उन्होंने इसका रीजन दिया था कि मोस्ट ऑफ द कलेक्शन जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न है उससे आ जाती है, इसलिए अब 9C की कुछ खास जरूरत नहीं है। बट फ्रेंड्स, ऐसा एक्चुअल फैक्ट नहीं है। पॉइंट ये है कि एनुअल रिटर्न भी जर्नली वही प्रोफेशनल गो थ्रू करता है जिसने फॉर्म 9C सर्टिफाई करना होता है, और मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स एनुअल रिटर्न के समय ही रेक्टिफाई करवा दी जाती है। इसलिए एनुअल रिटर्न के वर्क ज्यादा टैक्स पे किया जाता है रादर देन 9C। गवर्नमेंट का एक ये मेन रीजन देना 9C को डिसकंटिन्यू करना फ्रॉम सर्टिफिकेशन फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, ये रीजन मुझे जस्टिफाई नहीं लगता। बट दोस्तों, प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से इसका सर्टिफिकेशन बंद कर दिया, प्रॉब्लम कुछ और है। अब अगर आप उनके अमेंडेड प्रोविजंस देखेंगे जो उन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज की है इसके पैरेलल, वो ये है कि उन्होंने अब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सेल्फ सर्टिफिकेशन की ओर मूव कर दी है। सो अल्टीमेटली जब ऑर्गेनाइजेशन इसको सेल्फ सर्टिफाई करेगी, तो लायबिलिटी जो आपकी रिकंसिलेशन को सर्टिफाई करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को दी गई थी, वो अब मैनेजमेंट के ऊपर शिफ्ट कर दी है, क्योंकि उसको एक ऑथोराइज सिग्नेटरी भी सर्टिफाई करेगा। तो देयर बाय हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सी, जब आप एक इंडिपेंडेंट टैक्स प्रोफेशनल से अपना एनुअल जीएसटी कंप्लायंसेस रिव्यू कराते हैं और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स रिव्यू करवाते हैं, तो देयर आर चांसेस दैट आपके कंप्लायंसेस प्रॉपर हुए हैं कि नहीं। और मैनेजमेंट को यह भी इंश्योर हो जाता है कि कोई अगर मिस्टेक से कोई एरर रह गई है, तो उसको रेक्टिफाई करवा लिया जाए, या फिर एटलीस्ट मैनेजमेंट इस बात से भी अवेयर हो जाता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एग्रेसिव या कॉन्ट्रेरी स्टैंड लिया हुआ है, तो वो भी एटलीस्ट मैनेजमेंट की नॉलेज में आ जाता है। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिपेंडेंट टैक्स प्रोफेशनल से अपना एनुअल रिव्यू करवाना बंद कर देगी, तो देर आर चांसेस कि मिस्टेक्स रह जाए। मैंने एज एन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो कुछ, नॉट ऑल बट कुछ लोग जो टैक्स कंप्लायंस कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, समटाइम दे हाइड देयर मिस्टेक्स, नॉट देयर मिस्टेक, बेसिकली व्हाट एरर दे हैव डन दे ट्राई टू हाइड फ्रॉम द मैनेजमेंट। नाउ टेक अ सिचुएशन वेयर दे हाइड द थिंग्स, लाइक अगर उन्होंने कोई टैक्स पे किया है तो वो इंटरेस्ट पे नहीं करते, तो एटलीस्ट ये सब बातें एक इंडिपेंडेंट टैक्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट तक पहुंचा देता है। सो देयरफॉर इस माय सजेशन इज दैट इट इज नॉट गुड टू डिसकंटिन्यू द एनुअल एनुअल कंप्लायंस जस्ट बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट हट गई है। और फ्रेंड्स, अगर आप अवेयर हैं सर्विस टैक्स और एक्साइज रिजीम से, वहां पर भी सेल्फ असेसमेंट होता था सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे, तो डिपार्टमेंट के पास हमेशा एक ग्राउंड रहा है
क्योंकि उनके पास 5 साल होते हैं फ्रॉड सप्रेशन के केस में शोकॉज नोटिस इश्यू करने के लिए, और फ्रॉड सप्रेशन इन्वोक करने के लिए हमेशा डिपार्टमेंट के पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है कि क्योंकि आपने सेल्फ असेस की है टैक्स, वी हैव पुट अ फुल फेथ ऑन यू, सो देयरफॉर जो आपने गलत रिटर्न्स भरी है दैट इज अ फ्रॉड एंड सप्रेशन ऑन योर पार्ट. सो उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हमेशा से ये रहा है कि आपने रिटर्न सही से नहीं भरी एंड दे हैव पुट फुल फेथ ऑन यू. सो फ्रेंड, माई सजेशन नॉट टू डिसकंटिन्यू एटलीस्ट एनुअल रिव्यू ऑफ द कंप्लायंसेस फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट टैक्स प्रोफेशनल. इनफैक्ट मेरी जो टीम है वो भी मेरे को बोल रही थी कि सर लेट्स स्टार्ट दिस जीएसटी एनुअल रिव्यूज, बिकॉज अभी तक बीइंग अ लॉयर फॉर एंड बीइंग अ एडवोकेट हम लोग इसको नहीं कर रहे थे, ऑल्दो वी आर एक्सपर्ट ऑफ इट, बट क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेना होता है सो अभी तक हम इसको नहीं कर रहे थे, बट माई टैक्स टीम लेट्स स्टार्ट इट, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट दिस एनुअल रिव्यू ऑफ दिस. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एथना नॉलेज शेयरिंग अपनी ईमेल आईडीज पे चाहिए तो आप, मैं इसको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये फीडबैक फॉर्म डाल देता हूँ, आप हमें इस वीडियो का फीडबैक भी दे सकते हैं, और अगर आपको एथना नॉलेज शेयरिंग अपनी ईमेल्स पे चाहिए तो आप उस फीडबैक फॉर्म को भर के आप एथना नॉलेज शेयरिंग भी अपने मेल्स पे रिसीव कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई लिंक्डइन प्रोफाइल which is named as Advocate CA Pawan Arora, so you can connect with me on the my LinkedIn profile as well. So friends, thank you, and I suggest to you that please continue with this annual review.